पक्की सड़क के अभाव में किया जा रहा समतलीकरण पूर्व में राशि हुई थी स्वीकृत, लेकिन सड़क नहीं बनी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के कुरबाई तहसील के ग्राम भर्री से कुल्हार तक पक्की सड़क न होने से ग्रामवासियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर सरपंच द्वारा निजी रूप से समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। पूर्व सरपंच के कार्यकाल में भी समतलीकरण का कार्य किया गया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत में वर्षों पहले ग्राम के लोगों के द्वारा पूर्व कलेक्टर MB ओझा को ज्ञापन दिया गया था, तब उन्होंने स्वीकृत के लिए भेजा था। बाद में राशि स्वीकृत भी हुई, लेकिन सड़क नहीं बनी। अभी 2 माह पहले ग्राम के कई लोगों ने जब स्थानीय विधायक हरि सिंह सप्रे को उक्त समस्या से अवगत कराया तो उन्होंने सड़क निर्माण का आश्वासन दिया है। ग्रामवासियों ने मांग की है कि वर्षा पूर्व पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए, अन्यथा ग्रामवासी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। हमारे ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच रहे तेजानंद कटाई जी द्वारा शुरू से ही रोड को सही करवा के यहाँ पे निजी खर्चों से उनका डीजल उनके आदमी कई 1 साल में 2-3 बार रोड सही करवाते निकलने के लिए ज्ञापन ज्ञापन दे कहीं ज्ञापन दिए कलेक्टर महोदय जी को दिया है। एक बार अपने MD ओझा जी भी गाँव प्रोग्राम तो उन्होंने बोला था रोड डल जाएगा, वो भी गया तो कहानी भी चली गई। अब फिर भी रोड नहीं डल तो क्या करोगे? इस बार अपन ने सोचा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को गांव में एंट्री नहीं दे पाएंगे। इस बार रोड डला तो ही आपको वोट मिलेगा, नहीं अन्यथा कोई वोट नहीं दिए जाएंगे। भर्री से कुलार के लिए जिस सड़क का मरम्मत कार्य चल रहा है उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उसके लिए निजी तौर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उसको काफी दिनों से जो सड़क है जो खराब पड़ी हुई है और विगत 20 वर्षों से इसका प्रयास जारी है, लेकिन कहीं से भी इसकी कोई मरम्मत नहीं किया गया। इसके लिए नए रोड डालने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। सड़क निर्माण ना होने से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहली बात है बारिश में बच्चे जो है हमारे रेलवे ट्रैक से स्कूल जाते हैं 2.5-3 किलोमीटर पैदल चल के, और रेलवे क्रॉस से जाने में उनके लिए जीवन का खतरा भी रहता है। इसके हमने सबको अवगत कराया लेकिन इस पे किसी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। पूर्व में भी सड़क मरम्मत को लेकर क्या कोई कार्य किए गए हैं? नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। सड़क निर्माण के बनवाने के लिए पहले से कुछ प्रयास जारी है क्या? हाँ, ये सभी लोगों के लिए हमारे पास आवेदन रखे हुए, सभी के लिए आवेदन दिए गए हैं। जहाँ जहाँ भी प्रयास करना था हम सब जगह प्रयास कर चुके हैं।